आज क्या खाना है बच्चों? अरे अरे थोड़ा वेट तो करो, अभी लाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बच्चों से लेके बड़ों तक का पसंदीदा हलवा येलो कैरेट हलवा, वो भी विलेज स्टाइल में। वैसे गाजर का सीजन है तो नहीं, और इस टाइम पे गाजर काफी महंगी मिलती है। मुझे 80 रुपये किलो मिली थी गाजर, लेकिन गाजर के हलवे के आगे रुपए कोई मायने नहीं रखते। देखिए क्या दानेदार और टेस्टी हलवा बना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 किलो पीली गाजर और इनको साफ करके कद्दूकस कर लिया है। और इसके लिए मैं लूँगी 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। आप चाहें तो दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 लीटर ही लिया है। और दोनों को मिक्स करके एक साथ चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और अब इसको लगातार चलाते हुए रहना है ताकि दूध और गाजर कढ़ाई में ना लगे। इसलिए इन्हें लगातार चलाते हुए रहना है ताकि हलवे में जले का स्वाद ना आए। चलाते हुए रहना है अब इसको लगातार जब तक ये गाढ़ा हो। वैसे इसको अलग अलग प्रोसेस से भी बनाया जाता है कि गाजर को अलग से उबाला जाता है और दूध को अलग से, लेकिन इस तरह से जब हम गाजर को और दूध को एक साथ बॉईल करके गाजर का हलवा बनाते हैं तो हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि गाजर दूध में पकी हुई होती है और उसके अंदर दूध का फ्लेवर अच्छे से बहुत ही टेस्टी तरीके से चला जाता है। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा हो। तो दूध अच्छे से भुन चुका है और गाजर भी पक चुकी है। अब इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश डाल दी है पहले ही, और अब डाल रहे हैं चीनी। आपको जैसा मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा डाल लीजिए। मीठा डालने के बबाद इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच देसी घी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहो, मैं काजू डाल रही हूँ। सभी को अब मिक्स कर देंगे और फिर से इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। जब हलवा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा इट मीन्स हलवा पक कर के बिल्कुल तैयार है। और हम इसको फिर से लगातार चलाते जाएंगे। तो देखिए हलवा काफी गाढ़ा हो गया है और इसने कढ़ाई भी छोड़नी शुरू कर दी है। तो बस इसको अब थोड़ा सा और भूनेंगे, उसके बाद हलवा खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, एकदम केसरी कलर का, एकदम प्यारा कलर लग रहा है। तो हलवा खाने के लिए तैयार हो गया है, अब हम इसे चूल्हे से हटा लेंगे। और देखिए हलवे को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और एकदम दानेदार मावे वाला गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए हलवे को आप दानेदार मावे से भरा हुआ ये गाजर का हलवा आपको एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना चाहिए। आशा करती हूँ को आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करोगे। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने कटोरियों में निकाल दिया है हलवा। चलिए अब उनको दे देती हूँ, तभी वो जाके शांत होंगे। यम्मी बना है, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।